नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्टर शुभम श्रीवास्तव की, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डॉक्टर शुभम श्रीवास्तव के चैनल पर। जैसे कि आज मैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, गोरा बना देगी ये क्रीम। तो क्या ये क्रीम गोरा बना देगी, मैं यही आपसे पूछना और आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझसे कई वीडियो पे मेरे कमेंट किया, सर आप इस क्रीम के बारे में बताइए, ये क्या गोरा बना देती है, क्या ये गोरा कर देती है। और कई सारे सवाल आए हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, कई मैसेजेस आप लोगों के आए हुए हैं दोस्तों सवाल के रिलेटेड, कि क्या सर ये काफी इफेक्टिव क्रीम है, क्या इसका क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा यार, काफी चीजें सुनने और देखने के बाद में, आपके सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद, मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो ही बना देते हैं, जैसे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये क्रीम किस बेसिस पे है और इसका क्या काम है, मेजर क्या ये करती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज रखती है अपने सर, क्या ये वाकई में गोरा करती है कि नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को। और उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियोस मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पाओगे और देख सकोगे मेरे द्वारा अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपने लिए। साथ में वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा मेरे लिए आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देने का। कमेंट करके जो भी आपका सवाल हो पूछो, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपको तुरंत रिप्लाई करता हूँ। जो ईमेल पे पूछना चाहते हो मेल कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम पे पूछना चाहते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसके साथ शेयर करना चाहो तो अवेयरनेस फैलाओ शेयर करके। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं, देख लो आज ये क्लॉप-जी की क्रीम है। क्लॉप-जी कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे, तो उसके बारे में जान लो। और कई इसके बारे में अफवाह है, तो जो भी अफवाह या जो भी मिथ्स है, मैं उनको क्लियरली आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूं, कि जो लोग इसको जानते हैं कि ये गोरा बना देती है, गोरा कर देती है, तो ये गोरा करने के लिए ऐसा कोई क्रीम नहीं है कि ये गोरा कर देगी, ये आपका रंग क्लीन कर देगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, रंग झाइयां हटाएगी, झाई साफ करेगी थोड़ा, पर ये गोरा नहीं बनाएगी। जो भी इसको गोरा करने के लिए इसको यूज कर रहा है, तो मैं बता दूं मत यूज करेगा, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा टाइम तक यूज करते हो तो इसका काफी बुरा असर प्रभाव भी आपके स्किन पे यानी कि फेस पे पड़ता है। तो फॉर देखो, जैसे कि ये है क्रीम क्लॉप-जी, इसमें जो साल्ट मिला है वो क्लोबेटा सोल प्रोपनेट एंड जेंटामाइसिन सल्फेट क्रीम है। साथ में इसमें एक चीज और है, क्लोरोक्रेसोल, जो मोस्टली स्किन क्रीम में पाया जाता है। तो दो साल्ट ये इसके मेन है, बाकी क्लोरोक्रेसोल इसका साथ में साल्ट पाया जाता है प्रॉपर्टी में। तो ये इसका कंपोजिशन है, कंपोजिशन की मात्रा में बता दूं, आप क्लोबेटा सोल प्रोपनेट है वो है 0.05%, साथ में जो इसमें है जेंटामाइसिन वो होता है 0.10% और है क्लोरोक्रेसोल वो 0.10%। तो ये है इसकी मात्रा। ये किस लिए पर्पस के है मेन मैं बता दूं, ये आपके जो दाने होते हैं, अगर आपके फेस पे कोई भी दाना है, फोड़े फुंसी टाइप का या एक्ने टाइप का या कुछ भी पिंपल टाइप का, कैसे भी दाने हैं, तो उसको हटाता है। कोई भी एलर्जी इन्फेक्शन रिलेटेड कुछ भी आपके रैशेज हो गए हैं, लाल कलर के हो गए हैं, उसको ये सही करता है, और दाग झाई और धब्बों को ये थोड़ा क्लीन करता है। बाकी जो भी इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज मत करेंगे, वरना आपकी जो स्किन की चमड़ी होती है वो भी उखड़ने का डर है, और आपका चेहरा जब छोड़ोगे तो बाद में क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, जो मोस्ट ऑफ द क्रीम से होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो जो भी इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं तो अभी बंद करें, और जो इसको गोरे होने के लिए यूज कर रहे हैं वो भी बंद कर दीजिए, गोरे होने के लिए क्रीम नहीं है। क्योंकि जो इसका साल्ट ना जेंटामाइसिन, वो दाग झाई धब्बों को हटाता है, बस उसको क्लीन करता है, ना कि गोरा नहीं बनाता है। और जो इसका क्लोबेटा सोल साल्ट है वो आपके केवल दानों को, जो दाने आपके होते हैं एक्ने पिंपल टाइप के या एलर्जी टाइप के जो दाने होते हैं छोटे छोटे, उसको बस क्लीन करता है, ये इसका काम है। मैंने जो कि आपको बता दिया, कई इसके बारे में लोगों ने अफवाहों पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसको देखा, तो मैंने एनालाइज करने के बाद मैं आपको इसमें सारी चीजें अच्छे से समझा दी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लॉप-जी के बारे में। जो इसको गोरे होने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो गोरे होने के लिए मत यूज करेंगे, या गोरे होने के लिए कोई भी आपको कहे कि क्लॉप-जी यूज करो तो मत यूज करना, ठीक है। ऐसी बेवकूफियों से अवेयर रहो। और ये फॉर मैं बताऊं, फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, ये केवल दाग झाई धब्बों के लिए है और दाने के लिए है इन्फेक्शन टाइप के, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, फेस पे है या बॉडी में कहीं भी है तो आप इजीली आप यूज कर सकते हो, उसके लिए बेस्ट क्रीम है, बहुत ही सस्ती है, 20 रुपए की मात्र ही है आपकी, 25 ग्राम की क्रीम मिलती है, सबसे सस्ती और अच्छे वेटेज में आपको क्रीम मिल रही है क्लॉप-जी की, तो उसके लिए यूज करो। पर जो भी वैसे पर्पस के लिए यूज कर रहा है गोरे होने के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रहा है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज बंद कर देना, और ऐसे के लिए आप मत यूज करना। अभी मैं इसको आपको यूज करने का तरीका बता देता हूँ, इसको आपको कैसे यूज करना है दोस्तों। इसको आपको यूज ऐसे करना है कि रात में आपको सोते समय अपने चेहरे को, किसी भी जो भी आप शॉप या फेस वॉश यूज करते हो उससे आपको चेहरे को धुल लेना है अच्छे से, टॉवल से उसको रब करके पोंछ लेना है, और रात में ही सोते समय आपको बस एक बार इसको दिन में, केवल एक बार रात में लगाना है, दिन में नहीं यूज करना है। और सुबह उठ के फिर जो भी आप फेस वॉश या शॉप यूज करते हो उससे आप धुल लोगे चेहरे को बस एक बार दिन में, जैसे कि जैसे आप हर फेस क्रीम लगाते हो वैसे भी इसको यूज करना है। तो ये इसका खास यूज करने का तरीका है।
केवल फॉर स्किन पर्पज टाइप ऑफ इन्फेक्शन एलर्जी जो आपके दाने पड़ जाते हैं या रेडिश टाइप का कुछ हो जाता है उसके यूज उसमें यूज करने के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ लाइक कर देना। जो भी आपका सवाल हो क्लॉप जी से रिलेटेड कोई भी चीज से लेकर आपको सवाल हो आप पूछ सकते हो बेफिक्र अपने डॉक्टर शुभम श्रीवास्तव से। साथ में जिसके साथ वीडियो शेयर करना चाहते हो तो अवेयरनेस फैलाओ शेयर करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डॉक्टर शुभम श्रीवास्तव के चैनल पर। टिल देन गाइस कीप सपोर्टिंग कीप वाचिंग टू डॉक्टर शुभम श्रीवास्तव। बी अवेयर बी सेफ।